सेल इन चंडीगढ़, 250 गज का फ्लोर इन चंडीगढ़। फ्रेंड्स पहले आप देखिए इस घर की ग्लिम्स, फिर हम चलेंगे इसको पूरा का पूरा देखने। फ्रेंड्स आपने देख लिया इस घर के ब्यूटीफुल ग्लिम्स। अभी ये जो घर है 250 गज के अंदर है, प्रॉपर प्राइम लोकेशन सेक्टर 34 चंडीगढ़ के अंदर। बहुत ही अमेजिंग लोकेशन और बहुत ही अमेजिंग घर है। अब इसकी डायरेक्शन की बात करूँ, ये साउथ ईस्ट फेसिंग घर, बहुत ही शानदार लोकेशन में। अब यहाँ पर ये फ्लोर वाइज भी बिक रहा है और पूरा का पूरा घर भी बिक रहा है। अगर जो आपने खरीदना है तो अभी नीचे देखिए मोबाइल नंबर पे मुझे कॉल कीजिए, मैं खरीदने और विजिट की हेल्प कर सकता हूँ। अब ये प्रॉपर मॉडर्न स्टाइल में, जो कंटेम्प्रेरी मॉडर्न लुक के अंदर घर है ना, वो उस तरीके से बनाया गया है। मतलब ऐसा नहीं है कोई ट्रेडिशनल लुकिंग में, ये प्रॉपर कंटेम्प्रेरी लुक में, मॉडर्न लुक में ये घर है। अब यहाँ पर जो मेन इसकी एलिवेशन की बात करूँ, ये कैसे हमने इसको डिवाइड किया, यहाँ पर अच्छा हमने काम किया है ग्रे लुक के अंदर हमारे आयरन का। उसके अंदर हमने MDF जो HDMR की बोर्ड लगा के इसको कटिंग करके बहुत ही अमेजिंग वर्क नज़र आ रहा है। और ग्रे, ब्लैक और वाइट डार्क लाइटिंग ब्राउन का टाइलिंग का बहुत ही शानदार वर्क, यहाँ पर भी हमने अच्छा काम किया है पिलर के अंदर। और बहुत ही सुंदर आपकी यहाँ पे मेन गेट के ऊपर हमारा लैम्प है, और यहाँ पर भी अच्छा काम किया गया है आयरन का, जिसके अंदर हमने डिको पेंट के बहुत शानदार अमेजिंग लुक में। और इसके अंदर जो मैं फ्रंट एलिवेशन की बात करता हूँ, अब फ्रंट एलिवेशन पे हमारा देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे आपका प्रॉपर हमने एक ऐसा चीज़ बना रखी है जो आपकी HDMR बोर्ड और प्रॉपर पूरी की पूरी जाली को काट के एक अमेजिंग लुक नज़र आ रहा है आपको। उसके साथ ही यहाँ पे टफ एंड ग्लास और बहुत ही शानदार हमारी वुडन टाइलिंग का बहुत ही अमेजिंग वर्क, लाइट ग्रे, लाइट ब्राउन और ब्लैक का बहुत ही सुंदर अमलगमेशन। आप देखिए इसकी फ्रंट एलिवेशन को। आपने देख लिया कितनी सुंदर फ्रंट एलिवेशन है। अब यहाँ पर नीचे हमने प्रॉपर ग्रेनाइट का सुंदर वर्क किया गया, जो भी टाइलिंग के अंदर प्रॉपर शेप दिया गया। यहाँ पर आपके घर के सामने ही 3 गाड़ियाँ घर के सामने ही पार्क हो जाएंगी। पार्क फेसिंग घर होने के कारण आपको प्रॉपर यहाँ पर गाड़ियों की कोई इशू नहीं है पार्किंग का। तो यहाँ पर हम चलते हैं इस घर के अंदर। हम इस घर के अंदर एंटर करते हैं, हमें मिलता है ब्यूटीफुल फ्रंट कोर्टयार्ड एरिया। इसकी डिमेंशन की बात करूँ, तकरीबन 8 फुट की चौड़ाई में और 32 फुट लंबा एरिया। और यहाँ पर हमने प्रॉपर ब्लैक ग्रेनाइट का सुंदर वर्क किया गया है। जैसे मैं बता रहा था कि हमने इस घर के अंदर प्रॉपर कंटेम्प्रेरी लुक, मॉडर्न लुक में डिजाइनिंग कर रखी है। यहाँ पे जो ये हमारा फ्रंट डोर के साथ हमारा यहाँ पे प्रॉपर टफ एंड ग्लास का काम है, टफ एंड ग्लास के साथ अच्छा काम किया गया है। यहाँ पे लाइट ग्रे का बहुत ही अमेजिंग लुक दे रहा है आपको, लाइट ग्रे और ब्लैक का अच्छा अमलगमेशन। तो मॉडर्न लुक में किस तरीके से आप घर डिजाइन कर सकते हैं, आप इस वीडियो के अंदर प्रॉपर जान पा रहे हैं। अब यहाँ पर भी ये जो हमारा मेन पॉश है, यहाँ पर हमने अच्छा काम किया गया। यहाँ पे आपका प्रॉपर गार्डन एरिया, यहाँ पे आपका छोटे से गार्डन एरिया, यहाँ पे वाइट का, और ये मेन फर्स्ट फ्लोर को स्टेयर्स जा रही है, तो बहुत ही शानदार यहाँ पे अच्छा पॉश का काम। अब यहाँ पर भी स्टेयर्स हमारी फर्स्ट फ्लोर को जा रही है, जहाँ पे हमने ग्रे रेलिंग का बहुत ही शानदार वर्क है, और यहाँ पर हमने अच्छा काम किया है लॉन्ज एरिया का। अब ये हमारा मेन गेट बहुत कुछ बता रहा है। ये बेसिकली हमारा जो डोर है फ्लश डोर है, और उसके अंदर हमने माइका का काम किया है, जिसके अंदर ग्रूविंग काट के हमने 3D मॉडल का डिजाइनिंग है। और ये जो हमारा मेन डोर है तकरीबन 2.5 फुट की चौड़ाई में और 9 फुट लंबा गेट। फ्रेंड्स मैं हूं अंशुल और आप देख रहे हैं टेक्नोकेड अंशुल। सो फिल नेक्स्ट गुड्स एंड वॉच व्हाट इट हैज टू डिलीवर। हम इस घर के अंदर एंटर करते हैं, हमें मिलता है ब्यूटीफुल वाव फैक्टर, क्या जबरदस्त घर है। आप अपने वाइड एंगल HD कैमरा में देख पा रहे हैं कितना शानदार ये घर है। अब इसकी जो ये हमारे जैसे ही हम एंटर करते हैं, ये प्रॉपर हमारा लॉन्ज और डाइनिंग एरिया। इसकी डिमेंशंस की बात करूँ तकरीबन 15x20 का बहुत ही शानदार एरिया है। यहाँ पर हमने प्रॉपर टफ एंड ग्लास के साथ एक अच्छा काम किया गया, जो कि हमारा बैक में हमने इसको डिवाइड किया है फॉर ड्राइंग रूम एरिया। और यहाँ पर हमने प्रॉपर लॉन्ज एरिया, जो मैं अब मिडल ऑफ द घर के बीच में खड़ा हूँ, मैं इसका पहले आपको नक्शा समझा देता हूँ। बैक साइड में मेरे 2 बेडरूम्स हैं आपकी, जो जहाँ पर आपका भी कैमरा खड़ा है उसकी बैक साइड पे हमारी किचन है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा 3rd बेडरूम है। तो बहुत ही शानदार वर्क होने वाला है फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को प्रॉपर मिस नहीं कर सकते। अब इसके साथ ही हम सबसे पहले जो एंट्रेंस पे ही हमारा आ जाता है ड्राइंग रूम एरिया। इसकी डिमेंशन की बात करूँ तकरीबन 10x12 का बहुत ही शानदार एरिया, और इसको हमने ओपननेस के साथ, यूनिकनेस इस तरीके से की है कि ओपननेस के साथ क्लोजनेस आए, कि यहाँ पर हमने प्रॉपर टफ एंड ग्लास के साथ ग्रे लुक के अंदर जो आयरन का काम किया, जो वो इसको आपको दर्शा रहा है। और जैसे मैं बता रहा था कि
कंटेम्प्रेरी लुक, मॉडर्न लुक में आप कैसे अपना घर डिजाइन कर सकते हैं, आप इस वीडियो के अंदर प्रॉपर जान पा रहे हैं। अब यहाँ पर हमने जब भी ड्राइंग रूम डिजाइनिंग की बात करें, हमेशा लाइट कलर का इस्तेमाल करना चाहिए, हमने प्रॉपर लाइट कलर का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे एंट्रेंस पे ही यहाँ पर हमने प्रॉपर एक मिरर और एक वॉल के अंदर हमने येलो टिंच, मतलब सारे न्यूट्रल कलर के अंदर हमने टेंजेंट कलर का काम कर दिया, जो कि बहुत ही जबरदस्त नजर आ रहा है आपको अपने स्क्रीन के अंदर। नीचे हमने प्रॉपर इटालियन मार्बल का वर्क किया है, जो कि बहुत ही शानदार लाइट ब्राउन के अंदर और बहुत ही मॉडर्न लुक में हमारे फैंस का डिजाइन है। देखिए इतना शानदार फैंस आपको लाइट ब्राउन और ब्लैक का बहुत ही अमेजिंग अमलगमेशन आपको नजर आ रहा है। और यहाँ पर भी अच्छा सीलिंग का काम है, बहुत ही अमेजिंग लुक में आप देखिए इसके ड्राइंग रूम को। फिर इसके साथ ही आ जाता है हमारा अटैच्ड डाइनिंग एयर और लॉन्ज एरिया। यहाँ पर भी हमने अच्छा जो मैं फैंस का काम कर रखा था उसी तरीके से लाइट ब्राउन और ब्लैक का बहुत ही कंटेम्प्रेरी लुक में, जो मॉडर्न लुक में आजकल चल रहे हैं, उस तरीके का डिजाइनिंग है। हमने सारी की सारी फिटिंग आपको कॉपर की पाइपलाइन की यहाँ पर दी गई है, मतलब सेंट्रलाइज्ड एसी आप अपना घर कर सकते हैं। इसके साथ ही आती है हमारी अटैच्ड मॉड्यूलर किचन, जो कि बहुत ही शानदार किचन है। फ्रेंड्स डाइनिंग के बाद हम चलते हैं इसकी मॉड्यूलर किचन। मॉड्यूलर किचन की डिमेंशंस की बात करें तो तकरीबन 10x12 की बहुत ही शानदार किचन है ये। हमने यू शेप में किचन बनाई हुई है और इसमें बेसिकली जब भी हम किचन डिजाइनिंग की बात करें, किस तरीके से आप किचन डिजाइनिंग कर सकते हैं, हमेशा हमें लाइट कलर का इस्तेमाल किया, हमने प्रॉपर लाइट कलर के अंदर लाइट ब्राउन कलर का लुक दिया, जो हमारी सारी की सारी माइका के अंदर प्रॉपर मॉड्यूलर किचन में, जो आजकल के सॉफ्ट एनक्लोजर चल रहे हैं विद कैबिनेट्स का बहुत ही शानदार काम। और यहाँ पर हमने गैस हॉब आपको एज इट इज मिलेगी विद चिमनी, जो कि हाई सक्शन पावर की चिमनी विद गैस पाइपलाइन हमने अंदर से ही डाल के दी है। यहाँ पे एंटी नॉइज़ वाली सिंक का काम है, प्रॉपर एंटी नॉइज़ वाली सिंक के अंदर हमने डबल टैप का काम किया गया, जो कि ओपननेस दे रहा है। और यहाँ पर ओपननेस के लिए कि जब भी आप हमेशा किचन डिज़ाइन करें, हमेशा ऐसा एरिया डिफाइन करें जहाँ पे आपके प्रॉपर वेंटिलेशन हो, जहाँ पे अपना आप एग्जॉस्ट लगा सको। इंडियन घर में हम बहुत सारा मसालों का और ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपका घर ख़राब हो सकता है, तो प्रॉपर चिमनी का इस्तेमाल कीजिए। नीचे एंटी स्किड टाइलिंग का वर्क कीजिए, हमेशा नॉर्मल सीलिंग का डिज़ाइन कीजिए, कोई हैवी सीलिंग हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, तो उस तरीके का सीलिंग का डिज़ाइन। यहाँ पर हमने सारे के सारे सॉफ्ट एनक्लोजर आपको एज इट इज़ मिलेंगे, जहाँ पर यहाँ पर प्रॉपर ब्लैक ग्रेनाइट का बहुत ही सुंदर वर्क है और यहाँ पर लाइट ब्राउन टाइलिंग का बहुत ही अमेजिंग वर्क। और यहाँ पर साथ में आ जाता है हमारा डबल डोर का फ्रिज के लिए, हमने प्रॉपर स्पेस आपको डिफाइन करके मिलेगा। अब फ्रेंड्स देखिए इसके मॉड्यूलर किचन को। आया था हमारा अटैच्ड फर्स्ट बेडरूम। फर्स्ट बेडरूम की डिमेंशंस की बात करूं तकरीबन 12x14 का बहुत ही शानदार कमरा है। यहाँ पर हमने प्रॉपर बैक ड्रॉप के अंदर बहुत ही शानदार वर्क किया गया हमारी पेंट का, जो इसमें हमने पिंक और लाइट ग्रीन और अच्छा अमलगमेशन किया गया है वाइट का, तो बहुत ही शानदार ये हमारा कंटेम्प्रेरी लुक में डिज़ाइन है। मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि आपको थोड़ा सा क्लोजअप में दिखाए कितना शानदार कलर का डिज़ाइन है, तो बहुत ही अमेजिंग। सारा का सारा जो मार्बल का डिज़ाइन है वो सारा का सारा इटालियन मार्बल है, कोई ऐसा नॉर्मल मार्बल नहीं है, इसमें इटालियन मार्बल का वर्क किया गया है हमारा। नीचे प्रॉपर इटालियन मार्बल का वर्क है, नीचे ऊपर लाइट वाइट का बहुत ही शानदार अमलगमेशन किया गया है, जिसके अंदर हमारी बहुत ही सुंदर हमारे फैंस का डिज़ाइन है। और यहाँ पर भी हमने टफ एंड ग्लास के साथ मैश विंडो का काम किया, जो कि यूपीवीसी विंडोज़ में आजकल मॉडर्न लुक में चल रहे हैं। आपको सारे के सारे हमने वायरिंग पहले से ही करके दी है, यहाँ पर एक टीवी आ जाएगा, टीवी यूनिट के लिए हमने प्रॉपर स्पेसिस जहाँ पे आपकी 2 इंची का पाइप डला हुआ है, जिसमें आप अपना सारी सारे वायर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अंदर से ही बेड हो जाएगी, तो बहुत ही शानदार हमारे ये फर्स्ट बेडरूम है आप देखिए। आता है हमारा अटैच ड्रेसिंग एरिया, यहाँ पर भी हमने प्रॉपर मॉड्यूलर जो स्टाइल में आजकल वार्डरोब्स हैं उसका इस्तेमाल किया गया है, ऊपर तक ओवरहेड तक, मतलब आपको स्पेस की कोई नज़र कमी नज़र नहीं आएगी। यहाँ पर प्रॉपर हमने ग्लास का काम किया गया बहुत ही शानदार, और यहाँ पर भी प्रॉपर ओवरहेड तक, तो स्पेस की कोई नज़र नहीं आएगी। इसके साथ ही आता है हमारा अटैच वॉशरूम।
इसके अटैच वॉशरूम की डिमेंशंस की बात करूँ तो तकरीबन 6x8 का बहुत ही शानदार वॉशरूम है। इसमें हमने लाइट वाइट और ब्लैक का अच्छा मल्टीमेशन किया और बहुत ही शानदार टाइलिंग, 2x4 की जो आजकल की टाइलिंग चल रही है उस तरीके से प्रॉपर वेंटिलेटेड एरिया, हमने प्रॉपर वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखा है कि आपको कोई ऐसा इश्यूज ना आए। हमेशा वॉशरूम में वेंटिलेटेड एरियाज होने चाहिए, नीचे एंटी स्किड टाइलिंग का वर्क, प्रॉपर टफ एंड ग्लास के साथ ड्राई और वेट एरिया का इस्तेमाल, नीचे हमने वैनिटीज जो डिज़ाइन किए हैं यहीं पर डिज़ाइन किया है, कोई बाहर से नहीं खरीदी और बहुत ही शानदार लुक में आपको नजर आ रही है। प्रॉपर ब्रांडेड एमिनिटीज आपको इस घर के अंदर इसी तरीके से मिलेंगी और अंदर जो डोर्स का इस्तेमाल किया है प्रॉपर फ्लश डोर के अंदर अच्छा काम किया गया है हमारा 3D डिजाइन का, तो बहुत ही अमेजिंग चीज आप देखिए। आपने देख लिया इसके ड्राइंग, डाइनिंग, किचन और फर्स्ट बेडरूम को, और इसके साथ ही छोटा सा हमने पूजा रूम या आप इसको स्टोर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बहुत ही शानदार। इसकी डिमेंशंस की बात करूँ तकरीबन 6x8 का बहुत ही शानदार एरिया है, तो बहुत ही अमेजिंग। यहाँ पर आप अपना पूजा रूम भी डिज़ाइन कर सकते हैं, स्टोर भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका प्रॉपर लॉन्ज एरिया, इसमें बैक में आप अपना LED TV यूनिट का डिज़ाइन कर सकते हैं। अब चलेंगे इसके सेकंड बेडरूम की तरफ। इसके सेकंड बेडरूम देखिए कितना शानदार बेडरूम है, अपने इसके अंदर डार्क ब्लू का अच्छा टिंज का काम किया गया है जो आपको कैमरा स्क्रीन के ऊपर बहुत ही जबरदस्त नजर आ रहा होगा। मतलब हर पूरा का पूरा घर न्यूट्रल, सिर्फ एक वाला हमने टेंजेंट कलर की कर दिया जो कि बहुत ही जबरदस्त नजर आती है। नीचे हमने प्रॉपर डिजाइनिंग की है हमारे बहुत ही शानदार इटालियन मार्बल, प्रॉपर जो सिमिलर हमारे फैंस का डिज़ाइन है, बहुत ही अमेजिंग लुक में यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी हमने LED के लिए आपको स्पेसेस प्रॉपर दी गई हैं, तो बहुत ही शानदार। इसके साथ ही अटैच्ड हमारा एक ड्रेसिंग एरिया है जो हम ड्रेसिंग एरिया बोल सकते हैं, और यहाँ पर हमने प्रॉपर वार्डरोब का डिज़ाइन किया ओवरहेड तक, मतलब स्पेस की बिल्कुल कमी नहीं और बहुत ही शानदार हैंडल्स, बहुत ही अच्छा माइका का डिज़ाइन है अमेजिंग लुक में। अब इसके साथ क्या है हमारा अटैच वॉशरूम, वॉशरूम इसकी डिमेंशंस की बात करूँ तकरीबन 6x8 का बहुत ही शानदार वॉशरूम है। इसमें हमने लाइट ब्राउन टाइलिंग का वर्क किया गया है, प्रॉपर लाइट और डार्क ब्राउन का अच्छा मल्टीमेशन, जो हमने टफ एंड ग्लास के साथ प्रॉपर एरिया डिफाइंड है ड्राई और वेटे का अच्छा काम किया गया है हमारे नीचे वैनिटीज का, प्रॉपर हमने वेंटिलेटेड एरियाज नजर आ रहे हैं, तो बहुत ही अमेजिंग हमारा वॉशरूम है आप देखिए। फिर इसके बाद चलेंगे इसकी बैक कोर्टयार्ड एरिया की तरफ। इसकी डिमेंशंस की बात करूँ तकरीबन 15x20 का बहुत ही शानदार एरिया है। यहाँ पे हमने प्रॉपर अच्छी टाइलिंग का काम किया जो आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर बहुत ही शानदार हमारे लाइट ग्रे का अच्छा कलर किया गया है। प्रॉपर आपको एक ऐसा एरिया डिफाइन होना चाहिए जहाँ पर आपकी वॉशिंग एरिया होना चाहिए, तो वॉशिंग एरिया के लिए हमने प्रॉपर स्पेसिस रखा है, जहाँ पर आपका पॉइंट रखा गया है, हमने आपका वॉशिंग मशीन का, यहाँ पे आपकी टैप्स भी उसी तरीके से हमने वॉशिंग मशीन वाली लगाई है। यहाँ पर छोटा सा एरिया हमने डिफाइन है जहाँ पर अपनी ग्रीनरी डिफाइन कर सकते हैं, तो बहुत ही शानदार ग्रीनरी एरिया, और सारे AC के डक्ट्स के लिए पाइपलाइन आपकी यहीं पर आ जाएंगी, तो बहुत ही शानदार हमारा ये एरिया आप देखिए। जब चलेंगे इसके थर्ड बेडरूम, डिमेंशंस की बात करें तकरीबन 12x14 का बहुत ही शानदार कमरा। यहाँ पर भी देखिए कितना शानदार वाइट कलर का काम किया है, लेकिन दो चार चीज़ें ऐसी कर दी गई हैं जो कि प्रॉपर मॉडर्न लुक में देखिए कितना अमेजिंग लग रहा है। और यहाँ पे जो आपके डबल बेड आ जाएगा, किंग साइज बेड आने के बावजूद यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस आपको नजर आएगी, और यहाँ पर हमने अच्छा लैंप्स का काम कर दिया गया जो आपके साइड टेबल्स के साथ आएगा, उसके साथ हमने स्विचेस का इस्तेमाल किया गया है। बहुत ही शानदार हमने LED TV यूनिट के लिए स्पेसेस का डिज़ाइन किया है कि यहाँ पर आपका LED TV यूनिट आ जाएगा। यहाँ पर अच्छा काम किया गया हमारे टफ एंड ग्लास के साथ, मैश विंडो का UPVC विंडोज़, बहुत ही अमेजिंग हमारी फॉल सीलिंग डिज़ाइन है, और जो आजकल की मॉडर्न लुक में हमारी जो कर्टन की रॉड पीछे छुप जा रही है उस तरीके का हमने यहाँ पर भी डिज़ाइन किया कि पर्दे की रॉड आपकी बैक में ही कर्टन की रॉड यहाँ पर आ जाएगी, और कर्टन्स आपके पूरे आपके घर को
दिखेंगे नहीं, मतलब उसकी रॉड्स नहीं दिखती, तो इस तरीके के हमने डिजाइनिंग का प्रॉपर इस्तेमाल किया गया है। तो बहुत ही शानदार ये थर्ड बेडरूम। इसके साथ आया था हमारा अटैच ड्रेसिंग एरिया। ड्रेसिंग एरिया भी प्रॉपर ओवरहेड तक हमने इसमें स्पेसिस का काम किया गया है, जहाँ पे हमारा काम किया गया है ये प्रॉपर वार्डरोब्स का, जहाँ पे लाइट कलर का माइका, सिमिलर पूरे के पूरे घर में एक ही माइका का डिजाइन है, लेकिन लुक में जबरदस्त। इसके साथ अटैच वॉशरूम। जिसकी डिमेंशन की बात करूँ, 6x8 का बहुत ही शानदार वॉशरूम है। इसके अंदर हमने प्रॉपर जो आजकल की मॉडर्न शॉवर डिजाइन है कि यहाँ से भी आपका पानी आ रहा है, यहाँ से भी पानी आ रहा है और यहाँ से भी पानी आ रहा है, उस तरीके का डिजाइनिंग का काम किया। तो बहुत ही शानदार शॉवर एरिया, प्रॉपर ब्रांडेड एमिनिटीज आपको इसी तरीके से मिली जाएंगी। और यहाँ पे प्रॉपर टफ एंड ग्लास के साथ बहुत ही शानदार काम किया गया है। हमारा वेंटिलेटेड एरिया लाइट ब्राउन और अच्छा अमलगमेशन की है टाइलिंग का, तो बहुत ही अमेजिंग कंटेम्प्रेरी लुक में अमेजिंग घर आप देखिए इसके थर्ड वॉशरूम को। वो आपको ये 250 गज का हाउस डिजाइन और प्रॉपर प्राइम लोकेशन सेक्टर 34 चंडीगढ़ के अंदर बहुत ही शानदार और अमेजिंग लगा, और प्रॉपर कंटेम्प्रेरी लुक में है। और नीचे इटालियन मार्बल का वर्क, मतलब अच्छा अमलगमेशन किया गया है हमारा कंटेम्प्रेरी लुक और बहुत ही शानदार हमारा मॉडर्न लुक का। तो बहुत ही अमेजिंग फ्रेंड्स, अगर जो आपने घर को खरीदना है या विजिट करना है, अभी नीचे दिए मोबाइल नंबर पर मुझे कॉल कीजिए, मैं खरीदने और विजिट की हेल्प कर सकता हूँ। चैनल पर पहली बार आए तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन को दबा दें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।